गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. टुडे वी आर स्टार्टिंग आर न्यू एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 3E. बिफोर स्टार्टिंग वी आर स्टडिंग अबाउट डिवीज़न इन होल नंबर्स. तो देखिए बच्चों, डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड करना. तो यहाँ पर हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करने के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, डिवीज़न इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? डिवीज़न होता है. तो अगर हमारे पास है ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए, अगर हमें एक ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिया है बी इंटू सी इक्वल्स टू ए, तो अगर हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी निकल कर आ जाएगा. दस ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू सी. या फिर हम इसे ए अपॉन बी की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं. ए की वैल्यू हो गई, या तो आप दिखाइए ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी, और अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो बी मल्टीप्लाई बाय सी. तो देखो बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला. ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि डिविडेंड में डिविडेंड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है. डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना. तो इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी अगर एक फिगर मिसिंग हो तो आप इजीली उस फिगर को फाइंड आउट कर सकते हो. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस फॉर्मूले के अंदर डाल के. अब देखिए, इवन एंड ऑड होल नंबर्स. अ होल नंबर डिविजिबल बाय टू. कोई भी होल नंबर जो टू से डिविजिबल है वो इवन नंबर है, और जो टू से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं. तो अब आ रहे हैं हम प्रॉपर्टीज़ पे. एग्जांपल्स आप पढ़िएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न. तो देखिए, इफ़ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो होल नंबर्स, देन ए डिवाइडेड बी इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर. ए और बी अगर नॉन ज़ीरो हैं, होल नंबर्स हैं, ए और बी में से कोई भी ज़ीरो नहीं है, देन ए डिवाइडेड बाई बी, ए को बी से डिवाइड करने पर हमेशा होल नंबर आए ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेवन को टू से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.5 समथिंग आएगा, 3.5 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा. आगे बढ़ते हैं, डिवीज़न बाय ज़ीरो. अगर ए होल नंबर है और उसको ज़ीरो से डिवाइड किया जाए तो आंसर मीनिंगलेस होगा, इट मीन्स नॉट डिफाइंड. इफ़ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो होल नंबर, अगर ए नॉन ज़ीरो होल नंबर है तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय ए होगा तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज 3E. डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो देखिए, यहाँ पे आपको चेकिंग भी करनी है, डिवाइड भी करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1936 डिवाइड बाय 16. सिंपल डिवाइड प्रोसेस किया है, 1 to 1 आ रहा है, और फॉर्मूला आपको पता ही है. यहाँ पर देख लीजिए, डिविडेंड है 1936, डिवीज़र है 16, 1 to 1 है क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर है 0, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है. डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. चेकिंग करने के लिए आपको इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है. तो डिविडेंड यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई है वो 1936 ही आई है, जो कि इक्वल है 1936, जो कि डिविडेंड है इसके इक्वल है. इसीलिए आपका जो आंसर है वो करेक्ट है और ये वेरीफाई हो गया है, राइट. तो इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के आपको अटेम्प्ट करने हैं. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए, डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. सिंपल, यहाँ पे भी आपको बस डिवाइड करना है और क्वेश्चन और रिमाइंडर को बताना है, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम. थर्ड क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो देख लीजिए, यहाँ पर 1 से डिवाइड करना है, आंसर वही आ जाएगा. जितनी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी हैं वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ अप्लाई करके सारे आंसर्स निकलेंगे. मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, वो है फोर्थ पार्ट. देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट है तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन बाकी का प्रोसीजर करोगे आप, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द होल नंबर n सच दैट n डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू n. देखिए, गिवन है आपको n डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू n. ऐसा हम क्या करें, n में ऐसा क्या डिवाइड करें कि n ही आ जाए.
ठीक है, तो n में n को ही डिवाइड करेंगे तो n आएगा। n को अगर यहीं छोड़ दें, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n को यहीं छोड़ दिया, इक्वेशन को सॉल्व किया, n यहाँ चला गया, n मल्टीप्लिकेशन में गया, तो n की पावर 2 हो गई। दैट इज़ द होल नंबर n इज इक्वल टू n स्क्वायर, द गिवन होल नंबर मस्ट बी 1। तो ऐसा हमारा जो होल नंबर है वो 1 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज 317 फाइंड द अदर वन। आपको क्या करना है, जस्ट इसमें से इस नंबर को 317 से डिवाइड करना है। नाउ सिक्स क्वेश्चन में दिया है ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय अ सर्टेन नंबर द क्वेश्चन। आपको देखिए फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको डिविडेंड दिया है, क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर दिया है, तो आपको डिवीजर निकालना है जस्ट। सेवेंथ क्वेश्चन पर आइए, सेवेंथ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो आपने एट में किया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। आपको ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको अगर 13601 से डिवाइड किया जाए तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। तो आपका 13601 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि आपका नंबर एग्जैक्टली 87 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इस नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं कि आखिर बचता कितना है, रिमाइंडर बचता भी है कि नहीं बचता है। तो 87 को हमने डिवाइड करके देखा तो 29 बचा। इट मींस 29 हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 13601 डिविडेंड में से 29 को लेस कर देंगे। ठीक है, 29 को लेस किया तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 87 से, क्योंकि 29 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा देंगे। ठीक है, चेकिंग करने के लिए आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा क्योंकि रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए कि नंबर हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 23 से। तो सबसे पहले हम भाई 23 से 1056 को डिवाइड देंगे, 21 रिमाइंडर बच रहा है। अब देखिए 21 रिमाइंडर बच रहा है और हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो फुली डिविजिबल करने के लिए ये 21 अगर 23 आ जाता तो हमारा नंबर फुली डिविजिबल हो जाता, क्योंकि 23 हो जाता। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 2। तो 2 मस्ट बी एडेड टू 1056। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड के अंदर अगर 2 ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पर 23 आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 23 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पर आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। देखिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। डिविडेंड हमारा 9999 हो गया, डिविजर हमारा 16 गिवन है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 15, तो 15 रिमाइंडर बच रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डिविडेंड में से, जिससे हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर 4 डिजिट का आ जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 16, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। तो सेम यही प्रोसेस सब में फॉलो होना है जो अभी आपने सीखा है। 13 क्वेश्चन पर आ रही हूँ मैं। 1 डजन बनाना की कॉस्ट है 29, हाउ मच बनानास कैन बी परचेज बाय 1392 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, 1392 का डिवाइड 29 से करना है। ठीक है, 1392 डिवाइडेड बाय 29। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, 19625 को डिवाइड करना है 157 से, तो आपको नंबर ऑफ ट्रीज पता लग जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, देखिए
टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दोगे 15 से, तो आंसर आ जाएगा लिटरेट पर्सन्स की संख्या आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 कलर टेलीविजन्स दे रखी है और आपको बतानी है एक टेलीविज़न की कॉस्ट, तो आप क्या करोगे टोटल गिवन कॉस्ट से डिवाइड दे दोगे 23 का। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है आज, ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।